और ये कोई औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है यार ये। ऊपर कौन हो? तो मैं तो कहता हूँ यार शौकत निकले अभी इधर से ना, बाकी नवाज आ जाओ, नवाज नवाज आजा आजा यार आजा, बाकी गाइस बाहर निकलो, बाहर निकलते हैं इधर से। तो ये भी लगाओ जरा इधर से, ये जरा लोकेशन एक दफा ये सामने तक दिखाओ, कितनी बड़ी लोकेशन है वो उस साइड पे भी है। और अभी हम इसका जो सर्वेंट एरिया है उधर भी नहीं गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। माय नेम इज शफकत, मेरे साथ अहसन भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज कैमरे पे नवाज नहीं है, उसकी का लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा जो फार्म हाउस में था, आज भी हम उधर ही मौजूद हैं। आज हमारे साथ असद हैं, लास्ट एपिसोड में उसकी तबीयत थोड़ी सी घर जाके ख़राब हो गई थी, वो इस वजह से आ नहीं सका। आज हम सेकेंड पार्ट के लिए आए हैं इधर, हमें काफ़ी मामला जो थे, हमारी बैटरीज लो हो गई थी, उसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा। और आज हम इधर आए हैं, जो उन्होंने एक बुढ़ी औरत का भी बताया था वो भी हमें नजर आई वाइल्ड बास में, लेकिन वो सर कटा था। ऐसे ही आसन भाई, सर कटा, सर कटा हुआ था, रिकॉर्ड किया था उसमें, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया वाइट कलर में ही था, जो भी था तो पूरा हमें कंफर्म नहीं था कि ये सर कटा हुआ है या ये वही जो बताया जाता है कि बूढ़ी औरत है वो है। एक और यहाँ पे जगह हमारी मिस हो गई थी जो कि सर्वेंट क्वार्टर था, उसका खास तौर पर उन्होंने कहा था कि जो भी सर्वेंट वहाँ पर जाता है वो थोड़े ही अरसे बाद, यानी हमारे पास रुकता नहीं है या चला जाता है, कहता है ये क्या था गाइस। अभी हम आपके सामने ग्रेडिंग ही कर रहे हैं, कुछ बता ही रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि पीछे कुछ हलचल हुई है चीज़ों की। मैं बता आपको ये रहा था कि सर्वर क्वार्टर का उन्होंने बताया कि सर्वर यहाँ पे कोई नहीं रुकता, कोई ऐसे मामलात यहाँ पे लाजमी हैं कि कोई भी यहाँ पे रुकने के लिए आमादा नहीं है, जो मालिक हैं वो इधर वापस नहीं आ रहे हैं, इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो छोटा सा पोर्शन उनका था जो थोड़े अरसे के लिए आके उन्होंने बनाया वो तो ठीक रहा, उसके बाद जो भी इनके साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलना शुरू हो गए तो उन्होंने रोक दिया इस काम को, बाकी इसको बिल्कुल ख़त्म किया। लास्ट टाइम हम जब वापस जा रहे थे हमने यहाँ पे देखा कि दो स्विमिंग पूल भी हैं, आप खुद सोचिए कि अगर कोई स्विमिंग पूल वगैरह बनाता है उस पर ख़र्चा आता है तो वो यहाँ क्यों नहीं रहने आता, और अच्छे खासे एरिए पर है। तो बाकी समझ नहीं आया कि क्या है ऐसा, ऊपर गए थे वहाँ पे भी कुछ देखा, नीचे हमने स्टार्टिंग में आई थिंक देखा हमने वाइट कलर का बिल्कुल वाजिया रिकॉर्ड हुआ कि जैसे उसका सर नहीं है किसी चीज़ का और वो सामने नज़र आई। बाकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं, बस अभी हम जाएंगे। ये देखें एक्टिविटी अभी हमने इंट्रो कर ही रहे हैं, अपना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लास्ट हमने जो किया था वो गेट के बाहर किया था, उसकी वजह यह थी कि बाहर किया, उसके अलावा हमें कोई पता नहीं था कि अंदर जा के ये मामला था, लेकिन अब हम बिल्कुल फार्म हाउस के अंदर है जिस वजह से ये आई थिंक ये उसी वजह से हो रहा है। ऊपर से ये बिल्कुल साथ ही जो अहसन भाई आपको बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल भी है, पूल है, और आज सर्दी इंतहा की है, धुंध देख रहे हैं आप, ये वैसे ही ऐसा मौसम बन जाता है कि अकेला आदमी कहीं जा नहीं सकता। हम आते हैं आप लोगों के लिए, आप हमें प्यार देते हैं, देखते हैं हमारा शो, तो बस इतनी रिक्वेस्ट इतनी है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी काफ़ी लोगों का ये है कि हमारा लाइट बहुत कम है,
या कैमरा मैन अच्छा नहीं है, ये वजह ये है कि अब हम मैं और एहसन भाई हमें एक्सपीरियंस है, उन दोनों को एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट जो ये है हमारी प्रॉब्लम। उसके बाद आप देख लें कि धुंध वगैरह इतनी है कि अब कैमरा क्या कैप्चर करे, अच्छे से अच्छे कैमरे भी ले आए तो पीछे से कुछ कैप्चर नहीं हो सकता। ऊपर से लोकेशन काफ़ी दूर से हम नहीं कैप्चर कर सकते, जितना हम हो सकता आपको दिखाते हैं। बाकी आप जो कमेंट्स करके अपना प्यार बड़ा फीडबैक हमें देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी जो बैड कमेंट्स करते हैं उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे ही हम सीख के और आगे जाएंगे। आप लोगों ने बताना तो हमने, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम ऊपर जाएंगे और आप लोग ही हैं जो हमें लेके जाते हैं आगे। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओए यार भाई आज हिल रही है यार, अभी हिल पड़ी है आज, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लग रहा है कि ऐसे काफी अच्छा खासा है, मुझे लगता है यार इधर ऊपर से धुंध इतनी है, दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा और आस पास कोई आबादी नहीं है। दूर दूर है काफी यहाँ से आबादी। आबादी तो अच्छा, असल इसको स्टैंड से हटाओ, चलते हैं हम आगे, चलते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। भाई इसके ऊपर है कुछ, कुछ है यार ऊपर से मुसलसल कुछ आ रहा है, नीचे भी इधर भी आया है कुछ। चलो जल्दी से कैमरा लेके चलते हैं शफकत। हसन भाई अभी तो स्टार्ट पे, अभी तो हमने एंटर भी नहीं हुए आगे तो ये काम शुरू हो गया है। ऊपर से दिखाओ असद, ये दरख्त देखें काफी अरसा पुराना है ये दरख्त। असल साथ रहना यार, गाइस कल नमाज था हमारे साथ तो उसको थोड़ा बहुत लोकेशन का आइडिया हो गया था स्टार्टिंग में, तो असद थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर कोई जंगली जानवर भी है, वो हमने लास्ट टाइम जो भी किया था एपिसोड उसमें हमने दिखा दिया था। कल लास्ट एपिसोड में हमारे साथ इधर मामला तो हैं इस जगह, ये इनका मेन जो आप कह लें कि उन्होंने कवर्ड एरिया बनाया गया ना, ये उनका मेन है। और जरा आज इसके इस तरफ चलते हैं, इधर भी था पीछे शायद है ना कुछ। सारी लोकेशन थोड़ी सी दिखाओ इस साइड पे, ये वाली तो देखी हुई है, ये इधर से दिखाओ ज़रा। काफी खतरनाक एरिया है यार शफकत, और एक जगह से आगे जगह बनी हुई इसमें नज़र आ रही है हमें है। ये मुझे लगा कोई चीज़ थी। असद इधर लाइट इधर रखो यार, इधर लाइट इधर रखो, बड़ा खतरनाक सा एरिया है। आगे आओ तो ज़रा, लाइट रखनी है, लाइट दूसरी नहीं है पास, इसके पीछे भी है कुछ, आगे लाना लाइट, यहाँ है कुछ पीछे, ज़रा ध्यान से आना यार। हैं रास्ता किधर है ऊपर, चीज थी यार ये उड़ा, इधर से कोई चीज उड़ गई है, चीज उड़ी है। एरिया बहुत खतरनाक है यार, ये धुंध भी इतनी है, धुंध आप कह लें कि इस वक्त जो कहते हैं ना कि धुंध बरसना, ये हल्की हल्की धुंध बरस रही है। आगे लाओ यार इसे, आगे लाइट बिल्कुल भी नहीं है और बहुत खतरनाक सा एरिया है ये। असल आ गया शफकत, ये वही नहीं वो जो हमने लास्ट टाइम ऊपर से देखा था, गेस्ट हाउस जो था है, ये वही है जो ऊपर से दिखाया नहीं था।
ये अकेला पीछे आवाज सुन रहे हो? चलो आगे चलो जरा, ये नीचे देख के यार। इधर से आओ, इधर से यार। आज हम छोटी लाइट नहीं ना लाए हैं तो जरा डिफिकल्टी हो रही है हमें। अच्छा यार ये नीचे देख के कोई सूरज का है, नीचे ध्यान से। इसका हाल देख यार। ये लाइट सामने करो, ये दिखाओ। अल्लाह अकबर। गाइस ये वो एरिया है जहाँ पे आप कह लें सर्वेंट रूम, जिसको इन्होंने खास तौर पे बनाया था, ये वो एरिया है। यार मुझे चलने की आवाज़ क्यों आ रही है? शक्का तो आपको भी आ रही है? अब फील होता है सन भाई, क्या जैसे कोई साथ है। आगे कैमरा लेके आओ, सामने दिखाओ उधर। अल्लाह अकबर, ये सामने क्या है? ओए कौन है? आओ आगे। अल्लाह अकबर, पीछे कोई था ऐसा भाई? था यार, कोई गुजरा है इधर से और बहुत स्पीड पे गुजरा है। ये देख लो, ये जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है इस पे। मिट गया है। क्या लिखा हुआ? ईमान लिखा हुआ है, ईमान। अल्लाह अकबर, ये क्यों? ये उसकी हालत से पता लग रहा है कि कितना पुराना है। आगे आओ, ये जाले भी दिखाओ जरा। अच्छा इसको जरा कैप्चर करो, आगे आओ। ओए गाइस ये देखो, ये क्या है? ओए होए होए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कब से बंद है यार। ये साइड तो बिल्कुल उससे ज्यादा खंडर है आसिम भाई, ये तो बहुत खतरनाक है यार उससे। आसिम भाई आगे आओ जरा, ये देखो। अब ये जो है, अब इसको पता नहीं इसमें है क्या। ये ध्यान से आसिम भाई, ये ध्यान से, ये दरवाजा है। जैसे कोई जानवर वगैरह है इधर। लाइट लेके आ इधर यार, ये दिखाओ जरा। अल्लाह अकबर, इधर से अंदाजा लगाया कि ये कितना छपका। तो उधर से कोई जानवर गुजरा, इधर से कोई जानवर गुजरा। किधर है हसन भाई? इधर से कोई जानवर गुजरा। बहुत ध्यान से यार, इधर वो है, कोई जानवर है लाजमी। हसन भाई इधर तो कोई नहीं नजर आ रहा। शफकत इधर से गुजरा है यार कुछ। अल्लाह अकबर, ओए अल्लाह अकबर, ये सारा साफ पीछे से मैंने रिकॉर्ड किया। हसन भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था इधर। आगे चलो इधर, आगे पीछे देखो। शफकत इधर से गुजरा है यार कुछ। अल्लाह अकबर, ओए
ऊपर ये सारा साफ पीछे से मैंने रिकॉर्ड किया। हसन भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था इधर। आगे चलो, इधर आगे पीछे देखो, उसके लाइट आगे करना। ऊपर जाने का रास्ता भी है, इधर आगे दिखाओ, इधर कोई भी नहीं है। ऊपर भी दिखाओ उधर, ऊपर की हालत देखो यार। ऊपर से दिखाओ उधर, हसन भाई असद को उधर आगे से दिखाने दो, आगे आगे आओ सर, लेकिन देख के जरा ध्यान से। जैसा नीचे आ, नीचे आ, ऊपर छत है। हसन भाई ऊपर तो कोई भी नहीं है। आवाज आ रही है, आप आइए। आ गया, आ गया, आ गया। ओए दरवाजा वापस खड़ा हो गया, ये तो गिरा हुआ नहीं था हसन भाई, ये गिरा हुआ था यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे ही खड़ा हो गया जैसे पहले था। यार ये कैसे खड़ा हो गया यार? हसन भाई ये ऊपर जब पहले हम उधर किए गिरा है, अब ऊपर से गाइस हमने दिखाया आपको, ऊपर जाके टोटली हसन भाई दिखाया, उसके बाद ये नीचे। शौकत आवाज आ रही है उधर से, है आवाज आ रही है उधर से। हसन भाई वो देखो वाइट कलर का, कौन है कैप्चर कर जरा, लाइट आगे कर। अल्लाह ऊपर ये कोई औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है, ओए बुरी औरत है यार ये। अल्लाह ऊपर कौन हो? हेलो, इधर देख रही है यार, क्या आप इधर रहती हो? ओए शौकत, शौकत ओए। अल्लाह ऊपर वो देखो दरवाजा हिल रहा, उधर कर यार। वो देखो दरवाजा हिल रहा, उधर कर यार। वो ये किधर गई? गायब हो गई शक्त, तो ध्यान हटाया हमारा। ये तो हसन भाई जैसे उन्होंने हमारा ध्यान ही बिल्कुल दूसरी साइड पे कर दिया खुद गायब। ये तो शक्त ऐसे है जैसे कि उन्हें पता चला हो कि यहाँ मुझे देख लिया, दूसरी साइड से ध्यान हटाया गया वो लाजमी। मैंने कहा कौन हो आप? वो इधर को देखा है था क्या? हल्की सी आवाज भी आई, आई थिंक माइक में ना आई हो, लेकिन हमें सुनाई दी है हल्की सी आवाज। साफ पता चल रहा था कि कोई ज़ईफ औरत है। चारों तरफ दिखाओ जरा, इधर चारों तरफ घुमा के दिखाओ किधर। हसन भाई असद ने पूरा, असद ने पूरा घुमा के इस साइड पे भी दिखाया, इधर से भी दिखा रहा हूं। कुछ भी नहीं है इधर एकदम, और मुझे साफ लगा कि जैसे उन्होंने खुद ये किया हो पीछे कि हम उस तरफ देखें और वो चीज गायब हो जाए, सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। एक तो होता है ना कि हम पूरे खौफज़दा हो गए, लेकिन जो स्टार्ट में हमारे साथ एक्टिविटी हुई है हम वाकई डर गए थे सच में। उसकी वजह ये थी हमारा ध्यान पूरा कैमरे की तरफ ग्रीडिंग, हम अपना और ऐसा हमारे साथ बहुत कम हुआ है, हुआ ही नहीं है हसन भाई। हम अभी इंट्रो या ग्रीडिंग डाल रहे हों और कौन है ये दे, ये अगर रिकॉर्ड हो रही हो ना वॉइस, बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़ है कि हमें महसूस हो रही है, तो एकदम से ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओ दे ये वो कपड़ा है, कुछ ऊपर है
ये तो कुछ कपड़ा वगैरह ही है, लेकिन आवाज़ जो आ रही है ना वो समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की है। चलो हसन भाई थोड़ा सा इधर से लोकेशन दिखा के, बाकी वो अभी आपको गाइस उस साइड पे चलते हैं शौकत। ये तो हमने कल कवर कर लिया था, भी नहीं इधर नहीं आए थे हम, ये हमने उस साइड से दिखा दिया था सारा। अब हम ऊपर देखा तूने, परिंदा था हसन भाई ऊपर, परिंदा नहीं था यार, इतना बड़ा परिंदा नहीं होता, बैठा है ऊपर कुछ, वैसे इतना बड़ा परिंदा नहीं होता। लाइट दे करना, देखो जरा ऊपर देखो, कुछ भी नहीं है इधर तो, कुछ भी नहीं, लेकिन गुजरा है यार बहुत, यानी आप ये कह सकते हो परिंदा नहीं है यार, इतना बड़ा परिंदा नहीं होता। ऊपर कोई है? अगर यहाँ पे कोई मखलूक मौजूद है तो खुद को जाहिर करें। अल्लाह अकबर। मैथन भाई चलो फिर उस साइड पे चलते हैं। चलो फिर चलते हैं यार। हमने मैथन भाई, मुझे नहीं लग रहा इधर दिखा। क्या था? दरख्त ही लड़ा। ये तो ऊपर से कोई गुजरा है यार शफकत, एक नहीं सारे हिले हैं, पूरा का पूरा दरख्त ही लाया। हाँ हाँ पूरा, एक नहीं यार ये तीन चार हैं, ये तीन चार ऊपर से ही ले हैं। माइक चेक करना ला असद, ये वो चेक कर लेना वो लगी हुई है ला साथ वाली, क्योंकि कल भी ना वो उतर गई थी नमाज से। हाँ ये देख अभी तक हिल रहे हैं यार, बाकी कोई नहीं हिल रहा, सिर्फ ये ही दो जो है ना। आपको एक चीज बताएं कि आप ये दरख्त से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओस कितनी ज्यादा है, ये देखिए गीले हुए हैं पूरे के गीले। असद आगे आगे दिखाओ जरा, ये पत्तों से भी पानी गिर रहा है, देखिए ओए ये पत्ते भी बिल्कुल भीग गए, और खौफ का आलम इतना हो चुका है यहाँ पे, धुंध से हमें आगे कुछ नहीं नजर आ रहा है। अल्लाह ऊपर ये आ गया हसन भाई, कुछ बना हुआ आगे भी है, आजा देखते हैं क्या है ये। हसन भाई मेरे अभी तक याद है वो हमने अंदर से हमने एंड कर दिया था, ये कुछ और बना हुआ है आपको मैं बता रहा हूँ, इधर नहीं हम आए शफकत, ये क्या चीज़ है? और इसके इर्द गिर्द राख किस लिए? अल्लाह अकबर, ये तो कब्र वगैरह लग रही है, कब्र वगैरह या फिर जलाने के लिए कुछ हो सकता ना। ये तो बहुत खौफनाक है, ओए उसका उसकी हालत और भी खराब है यार। आओ आओ आगे आओ, ये क्या चीज है नीचे? ये कोई प्लास्टिक की चीज पड़ी हुई है, ये चीज जैसे चूल्हा नुमा नहीं लग रहा कुछ, अंदर आओ असद अंदर आओ जरा यार, जरा ध्यान से हैं देख के। ओए कोई बोला है क्या? असद आप आगे आओ जरा, लाइट आओ जरा इस साइड से, आओ इस साइड इधर, इसको आगे रहने दे आज जरा, लाइट ना आ जाओ, आ जाओ आ जाओ लाइट लेके आओ, लेकिन रहना हमने साथ साथ है यार, ठीक है? ऐसे लगा है फ्लैट उसके ऊपर, मैं समझा कोई बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल बहुत डर गया था यार, मुझे भी ऐसे लगा, वाइट कलर में वो देखा था ना, मैं समझा यहाँ पे कोई बैठा है।
होगी, इस दरख्त का क्या हाल हुआ होगा। ये देखो, ये आई थिंक खजूर का है यार दरख्त। अंदर देखें, इतनी दूर, इतनी दूर, ये फिर ऊपर से कुछ गुजरा है यार। सबसे एंड वाले तरफ फिर ये ऊपर से कुछ गुजरा है, तो वो देखो अभी भी हिल रहा है। इधर दिखाओ, ये भी जला हुआ है यार। अल्लाह अकबर, सर्दी इतनी आसन भाई, बोला भी नहीं जा रहा। सर्दी है यार। अल्लाह, चलें फिर आसन भाई, चलो उस साइड पे चलते हैं। चलो ऐसा, ये भी दिखाया है, यहाँ से भी कुछ गुजरा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है। ओए फिर हसन भाई, ये दूसरी साइड से जाना पड़ना, इधर से तो रास्ता ही नहीं है, इधर से नहीं जाया जाना। अल्लाह अकबर, ये देखो कैसे गीला हुआ है। अल्लाह अकबर यार, ये तो ठंड है, ऊपर से ओस धुंध की वजह से ना हमारा अपना बुरा हाल हुआ है। शफकत दें के यार, ध्यान से हैं। असद, मैं आपको भी कहूँगा ज़रा ध्यान से आना है, एक तो मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश वगैरह होती रही है। ये देखें कितना खौफनाक है भाई। हाँ असद, ये ऊपर से दिखाओ, अल्लाह ऊपर कितना खौफनाक है। चलो चलो चलते रहो यार, आ जाओ। यार वो शफकत, वो जो हमें यहाँ पे नज़र आया है हसन भाई, वो कोई बुढ़ी औरत थी इधर, वो बिल्कुल मुझे साफ नज़र आ रहा था कि जैसे औरत है, हम चुकी है तो जैसे वो सहारे से नहीं चलते हैं बुजुर्ग जी, वो ही चीज़ नज़र आई है यहाँ पे। अल्लाह, पर ये देखिए अंदर कुछ पड़ा हुआ है। हसन क्या हुआ है? बस यार साथ साथ रहो, पीछे ना रहना ज्यादा है। ये अंदर क्या पड़ा हुआ है सुन भाई? यार टेबल में है कुछ, ये कल हमने नहीं देखा था ना इधर, हमने इधर नहीं आए हुए आई थिंक, समझ ही नहीं कुछ आ रही थी, जाना किधर है, जिधर जा रहे थे भूल भी लगी है बड़ा ही। फिर चलते हैं आगे, हैं असद आगे लेके आओ लाइट। ऊपर से आया वो, देखो ऊपर से कुछ है यार। अल्लाह ऊपर ध्यान से, नीचे तरह वो नीचे देख के आना यार। ये आगे फिर सूरज का है, देखना है। आगे भी है, पानी के अंदर से भी देखो, धुआं निकल रहा है, वो देखो द्वार के अंदर से, ठंड ज्यादा ना यार। चलो आगे चलो, वो देखो हालत देखें इसकी, ओए पानी ऊपर से गिर रहा है यार, ये सर्दी की वजह से है सारा। हाँ आप ये कह लें कि बहुत ज्यादा ही ठंड हुई हुई है आज। अल्लाह
हसन भाई मोबाइल बंद कर दिया, सर्दी की वजह से मोबाइल भी नहीं चल रहा यार। आपको पता है हाथ ठंडे हो जाते हैं फिर कहाँ चलता है। पर ये भी है हसन भाई, वही है ना, इधर से गुजर के नहीं है। हाँ वही है, वो रास्ता हो रहा है यार। ये स्विमिंग पूल, ये जो आ गया हो, आ गया हो। ये काफी बड़ा है। हुए हुए हुए। अच्छा ये बैग में रख लो मोबाइल। यार ये तो अच्छा खासा बड़ा बनाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। भाई इसके अंदर चले। इसके अंदर यार नहीं जाना चाहिए शफकत। इसके अंदर नहीं जाना बनता भाई। इसके अंदर अब मालूम नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अजीब सी आवाज आई है ना। अल्लाह अकबर। ये पूल हसन भाई मेरे ख्याल से बहुत आगे तक जा रहा है। चलो देखते हैं उधर से। चलो उधर। चलने की आवाज आ रही है सच में दोस्त। ओए वो जो चीज बनी हुई है सामने वो कैप्चर हो रही है। हो रही है सर। हाँ कैप्चर तो हो रही है। ये क्या चीज है। ये सीढ़ी है टाइप बनाई हुई है इसके ऊपर। आई थिंक ये कोई स्लाइड नुमा चीज जैसे बनाई गई हो स्विमिंग पूल के लिए। हाँ साइड पे जरा धुआं स्मोक आ रहा है तो ब्लर। हसन भाई उस साइड से आओ जरा। हसन जी चलो क्या हो गया, कैमरा आगे भी है। आगे लेके चलो आगे। पूल काफी बड़ा है हसन भाई, आगे तक जा रहा है। ये तो ऊपर से उड़ रहा है कुछ कुछ ऊपर से भी गुजरा जा रहे हैं। हम अपने नुकसान ना पहुंचाइएगा। गाइस जितना हम रिकॉर्ड कर सकते थे रिकॉर्ड किया। हिम्मत है आज कैमरामैन की भी कि बगैर रुके उसने इतनी ठंड में काम किया। बाकी आप खुद फैसला कीजिए, देखिए कि क्या है ये। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और एक आपका लाइक है जो हमारी हौसला अफजाई करता है। और बाकी इसी तरह हम जैसे ही आपका फीडबैक अच्छा आएगा हम और अच्छे अच्छे एपिसोड लेके आएंगे आपके लिए। बाकी फैसला आप ही कीजिएगा वो कौन है। अल्लाह हाफिज़।